सब्सक्राइब कीजिए वाडी टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाडी टेक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर किसी को इमेज सेंड करता हूँ तो सामने वाला पर्सन जैसे उस इमेज पर क्लिक करता है उसके सामने इमेज ओपन हो जाती है, और अगर किसी थर्ड पर्सन ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया तो वो भी उस इमेज को आसानी से देख सकता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी इमेज को सेंड करते हैं तो सामने वाला पर्सन जैसे इसे ओपन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसे पासवर्ड के लिए पूछा जाता है। तो इसी ट्रिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो सबसे पहले हम उस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से सिंपल सा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको नीचे प्लस का बटन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस अलाउ करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। यहाँ से आप जो चाहे वो इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डन करना होगा। यहाँ पर ऊपर आपको पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अगर आपको इस फाइल को यहाँ पर नेम देना है तो आप उसे यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं फाइल का नेम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो मेन फीचर है वो आ जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जो चाहे वो पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 1234 ये पासवर्ड रख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे इमेज कंप्रेस करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो बस हो गया, बस आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पीडीएफ फाइल आ जाती है, और यहाँ पर आपको शेयर का बटन दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर शेयर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप उस पीडीएफ फाइल को व्हाट्सएप या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पर आसानी से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे सामने वाला पर्सन इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर ओपन करने की कोशिश करता है यहाँ पर उसे पासवर्ड के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर उसको पासवर्ड डालना होगा, और जैसे आप उसे पासवर्ड दे देते हैं वो इसे आसानी से ओपन कर पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस क्वालिटी के अंदर इमेज सेंड की थी उसी क्वालिटी में यहाँ पर इमेज रिसीव हुई है। यहाँ पर क्वालिटी के अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर उसने यहाँ पर बैक किया और वापस यहाँ पर इस फाइल को ओपन करने की कोशिश की तो यहाँ पर उसे वापस पासवर्ड डालना होता है। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप के अंदर इमेजेस को सिक्योर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, और यहाँ पर आपको इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर इस एप्लीकेशन को आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इसे डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे यूजफुल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। थैंक्स।